अगर आप घर से पैसे कमाना चाहते हैं तो Amazon एक बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता है आपके लिए घर बैठे कमाई का। तो अगली बार जब आप Amazon से कुछ सामान ऑर्डर करें और पैसे चुकाएं, तो ये भी सोचिएगा कि कैसे आप Amazon के ज़रिए कुछ पैसे कमा भी सकते हैं। आपको थोड़ा सा भी डिज़ाइनिंग का शौक़ है, आप नए नए कोट्स लेकर के आते हो, नई नई आपको क्रिएटिविटी इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलती रहती है, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं कॉफ़ी मग डिज़ाइन करने के या फिर टी शर्ट। सबसे बेस्ट तरीका है Amazon से पैसे कमाने का Amazon FBA यानी Amazon पर सेलर बन जाना। अपना कोई भी प्रोडक्ट, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप बेच सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि मार्केट से आप कोई प्रोडक्ट ले लो, आप अलीबाबा जैसी वेबसाइट से भी प्रोडक्ट ले सकते हो, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो, अपने नाम से या अपनी कंपनी के नाम से कोई प्राइवेट लेबल बना सकते हो और उसको, और फिर Amazon सेलर सेंट्रल पर जा करके अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ प्रोडक्ट की इमेजेस डाल सकते हो। इसके बाद सारी की सारी जिम्मेदारी Amazon की होगी कि वो किस तरीके से उस सामान को स्टोरेज करना है, कैसे उसकी पिकिंग होगी आपके आपके पास से, पैकिंग कैसे करानी है, शिपिंग कस्टमर को कैसे करानी है। अगर कस्टमर को सामान पसंद नहीं आता, सामान रिटर्न आ जाता है, तो उस सामान का किस तरीके से उसकी हैंडलिंग होगी, रिफंड का कैसे ध्यान रखना है। बस आपको प्रोडक्ट एक अच्छा चूज़ करना होगा और अपने हिसाब से आप प्रोडक्ट बना भी सकते हो। अगर आप क्रिएटिव माइंड के हो या आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट पहले से है जिसको आप बेचना चाहते हो, तो भी Amazon FBA आपके लिए एक अच्छा पैसे कमाने का ज़रिया हो सकता है। दूसरा तरीका है रिटेल रीसेल। तो इसमें आपको करना ये होगा कि आजकल फेस्टिवल सीज़न वैसे भी है, आपको जगह जगह सेल मिल जाएगी, आपके लोकल मार्केट में भी काफ़ी जगह सेल लगी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि लोकल मार्केट में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें होती है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती या फिर देश के दूसरे हिस्सों में अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ऐसे में आप ये कर सकते हो कि वो जो यूनिक चीज़ें हैं या बहुत कम रेट पर आपको लोकल मार्केट में चीज़ें मिल रही है, उनको आपने रिटेल में ख़रीदा और आपने उस सामान को Amazon पर जा कर के बेच दिया। तीसरा जो तरीका है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है आप किंडल के ऊपर अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो। तो आपको अगर लिखने का शौक़ है, पोएम्स है, स्टोरीज़ है, आपकी लाइफ स्टोरी है या कुछ भी लिखने का शौक़ है, तो आप ये कर सकते हो कि किंडल पर जा कर के आप अपनी बुक अपलोड कर सकते हो। पूरा का पूरा सेटअप बना हुआ है किंडल का कि आप उसी किंडल के अंदर ही जो बुक है आप क्रिएट उसका पूरा फॉर्मेट कर सकते हो। आप उसका बुक का कवर, प्राइस, रॉयल्टी आपको तकरीबन 70% मिलती है आपकी बुक की। ई बुक तो आपकी 24 से 48 घंटे के अंदर पब्लिश हो जाती है। Amazon बिजनेस एक B2B प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप होलसेल रेट पर सामान ला करके या प्रोडक्ट सीधे मैन्युफैक्चरर से ले करके आप जो बिजनेस जो डिस्काउंट्स है उनके ऊपर Amazon बिजनेस के थ्रू बेच सकते हो। हैंडक्राफ्टेड चीज़ें जो कि आपने बड़े प्यार से जतन से बनाई है, चाहे वो आपकी पेंटिंग है बनाई हुई या फिर आपने कोई किश कुशन कवर बनाए हैं या फिर आपने कोई खूबसूरत सी टोकरी बनाई है, बुके बनाए हैं, कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप Amazon पर बेच सकते हो। और 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना हैंडमेड गुड्स बेचने की आपको ऑप्शन देता है Amazon। और इसके लिए आपके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनफैक्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए तो एक बेनिफिट ये है कि GST में भी कुछ रियायत होती है, जो कि इनिशियली ऐसे भी था कि हैंडीक्राफ्ट के लिए GST की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जबकि बाकी तरीके के बिजनेस करने के लिए GST की रिक्वायरमेंट थी। तो आपके लिए ये, अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, छोटे लेवल पर काम, मतलब छोटा यानी माइक्रो निश है आपकी, छोटे कैटेगरी में काम करना चाहती है लेकिन खूबसूरत काम करती हैं और अपने स्पेयर टाइम में काम करना चाहती है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। और बहुत ही ये आइडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोकल मार्केट में भी अगर आप कुछ नहीं भी खुद बनाती तो हमारे इंडिया में हर स्टेट के अंदर या हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह कोई ना कोई ऐसा आइटम होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि देश के दूसरे कोनों में दूसरी जगह पर
नहीं मिलती। अब अगला आइडिया जो है वो है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, और इसके थ्रू अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट अपना नहीं है, आप दूसरे का प्रोडक्ट भी ला करके नहीं बेचना चाहती, अमेज़ॉन के एफिलिएट बन जाइए। बहुत ही आसान सा काम है, आप एसोसिएट जो है अमेज़ॉन एसोसिएट आपको बनना होता है, फॉर्म भरना होता है, उसके लिए अपनी कुछ डिटेल्स देनी होती है। एफिलिएट का मतलब कुछ ऐसा है कि आपके पड़ोसन ने आपसे पूछा कि अच्छी साड़ी, डिज़ाइनर साड़ी कहाँ मिलेगी। अमेज़ॉन एसोसिएट आप बन गए, आपने वो प्रोडक्ट का लिंक अपनी पड़ोसन के साथ शेयर किया कि अमेज़ॉन पर देख ये साड़ी तेरी पसंद की जैसी तू ढूंढ रही है वैसी है। अगर आपकी पड़ोसन उस लिंक से साड़ी खरीदती है तो फिर जो कमीशन होगा, कमीशन 3-5% कुछ भी हो सकता है, तो वो कमीशन आपके अकाउंट में अमेज़ॉन की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगला बड़ा आइडिया है कि आप अमेज़ॉन के कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए और काम आपको करना होगा घर से। अमेज़ॉन के 650,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं दुनिया के 130 से ज़्यादा लोकेशंस पर। ऐसे में आपको घर से काम करना होगा, और अमेज़ॉन के जो इतना बढ़ता हुआ, इतना जो कस्टमर बेस है, सेलर बेस है, या इतना जो नेटवर्क, दुनिया का जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर अमेज़ॉन बनने की कगार पर है, तो ऐसे में ये सही समय हो सकता है कि आप अमेज़ॉन के अंदर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकते हो और उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो और घर से आराम से काम कर सकते हो। तो थोड़ा सा भी डिज़ाइनिंग का शौक है, आप नए नए कोट्स लेकर के आते हो, नई नई आपको क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलती रहती है, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं कॉफ़ी मग डिज़ाइन करने के या फिर टी शर्ट डिज़ाइनिंग के, तो फिर ये आइडिया आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेज़ॉन में आप मर्च यानी मर्चेंडाइज डिज़ाइन कर सकते हो, चाहे वो कॉफ़ी मग्स हैं, टी शर्ट्स हैं, या फिर कुछ इसी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं डेली इस्तेमाल के। तो इसमें आपको करना ये होता है कि आपको अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना होता है, प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन के ही साइट से सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद वो सामान कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, किस तरीके से डिलीवरी होगी, सारा काम अमेज़ॉन अपने आप हैंडल करेगा। बस आपको डिज़ाइनिंग का काम करना है, फिर आपके लिए जो खूबसूरत सी शॉप है, ऑनलाइन शॉप है, वो भी अमेज़ॉन ही डिज़ाइन करके आपको दे देगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आइडिया जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो अमेज़ॉन से, वो है एम टर्क, यानी कि मैकेनिकल टर्क। देखिए, आइडिया इसके पीछे ये है कि अगर मान लीजिए कि आप सारा सामान अपना, कुछ आपने सामान है, आपके पास प्रोडक्ट है, वो आप अमेज़ॉन पर बेचना चाहते हो, लेकिन टेक्निकली आप वो सब हैंडल नहीं करना चाहते, या फिर आपके पास समय नहीं है, आपने प्रोडक्ट बना दिया, डाल दिया, लेकिन क्या डेटा एंट्री करनी है, क्या डिटेल्स डालनी है, डेटा वैलिडेशन करना है, कोई रिसर्च करना है, इस तरीके के काम के लिए एम टर्क यानी कि एक वर्चुअल वर्कफोर्स होती है। जब आप एम टर्क के अंदर रजिस्टर करते हो तो आप अपना ये काम, जो डेली का रेगुलर डेटा एंट्री का काम होता है, तो वो आप वर्चुअल असिस्टेंट को दे सकते हो, जो कि आपके लिए सारा काम कर देगा, और आप भी एम टर्क बन सकते हो, और जितना काम आप करते हो, जितनी एंट्रीज आप करते हो, उसके बेसिस पर अमेज़ॉन की तरफ से आपको ये जो प्रोग्राम है एम टर्क, इसकी तरफ से आपको पेमेंट आ जाती है। अगर आप घर से पैसे कमाना चाहते हैं तो अमेज़ॉन एक बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता है आपके लिए घर बैठे कमाई का। तो अगली बार जब आप अमेज़ॉन से कुछ सामान ऑर्डर करें और पैसे चुकाएं, तो ये भी सोचिएगा कि कैसे आप अमेज़ॉन के ज़रिए कुछ पैसे कमा भी सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और वीडियो को उन सब औरतों के साथ शेयर करने के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।